अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे सिंस कल से ये व्लॉग चल रहा है क्योंकि कल हम गए थे डेकोरेशन का सामान लेने क्योंकि ये बर्थडे मंथ चल रहा है और इंशाल्लाह हमारी शादी को एक साल भी होने वाला है तो उन सब चीज़ों के लिए हम डेकोरेशन का सामान कुछ खास सामान लेने गए थे पर जिस दुकान पर हम गए थे कल वो दुकान बंद थी और हमें पता चला कि वो संडे को नहीं खोले तो किसी मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ये हो गया तो हमने भी एक काम किया हमने उनको फ़ोन कर दिया उनको पूछा कि अगर हमें ये सब सामान चाहिए कि हम हमारे लिए डिलीवर करें तो क्या आप कर सकते हैं तो उन्होंने कहा जी हाँ आप हमें लिस्ट भेज दें हम आपके लिए डिलीवर कर देंगे तो हमने यही किया आज पहली चीज़ हमने की हमने उनको लिस्ट भेज दी और उन्होंने हमारा सामान तैयार कर लिया है किसी भी वक्त वो डिलीवर होता ही होगा इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा और रात को हम केक भी लेने जाएंगे पहली जो सेलिब्रेशन इंशाल्लाह वो हमारी आप ही की बर्थडे होगी तो उन्हें तो खास पता नहीं कि उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं तो उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा तो वही हम डेकोरेशन आप छोटा मोटा डेकोरेशन करेंगे केक होगा सब होगा तो आपके साथ हम सब शेयर करेंगे तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और इस वीडियो के एंड में आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह जब हम डेकोरेशन करेंगे आपसे हम तब मिलेंगे तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो जैसे हमने आपको बताया कि हमने जो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी उनकी डिलीवरी हो गई और हमारे साथ ये सब कुछ हुई हम डेकोरेशन शुरू करने से पहले आपको एक ही चीज़ दिखाएंगे हमने क्या क्या ख़रीदा है और आपको दिखाएंगे कि हम डेकोरेशन कैसे करेंगे और आप हमें ज़रूर बताएगा कि आपको एंड में अगर ये डेकोरेशन अच्छा लगा और अगर कोई चेंजेस आप चाहते हैं क्योंकि अभी भी बर्थडे आने वाला है मेरी बहन के बेटे का बर्थडे आने वाला है वो भी हम खुद ही करेंगे तो अगर कोई चेंजेस आपको लगे कि हम सही नहीं चाह रहे तो आप ज़रूर हमें बताएँ ज़रूर कमेंट्स बताएं कि क्या क्या नया करना चाहिए और लड़कों के लिए ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी थीम हम लें जो उन्हें पसंद है और वो एक्साइटेड हो चले आपको दिखाते हैं जो चीज़ें हमने ली है अभी डेकोरेशन के लिए ये है हमारे पूरी पैकेज हमने लिया है ये बलून का स्टैंड लिया है हम देखेंगे सब कैसे इस्तेमाल करेंगे हमने लिया है ये दो हमने लिया है बच्चे अच्छा लगे के साथ हमने ये लिया है बलून के ये बलून पॉपअप्स भी लिए हैं हमने पार्टी पॉपअप्स पार्टी पॉपर वगैरह ये सब हमने लिए हैं पार्टी पॉपर हमने तीन लिए हैं तो ये हमने जो पर्दे होते हैं ना पीछे के लिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो आजकल बहुत एडवांस होंगे अच्छे अच्छे पर्दे आने लगे हैं वो बैकग्राउंड को अच्छा कर देते हैं ये भी लिया है सिल्वर रोज गोल्ड कलर मिक्स कर लिए हैं पर्दे लिए बलून के लिए ये बलून ये रोज गोल्ड कलर के बलून लिए हैं मेटल क्रोम वाले हैं ये पीछे से क्या बताते हैं क्या बोलते हैं मैंने से पता है ये भी लिए हैं बलून्स के लिए अच्छे लगते हैं बलून्स जितने भी हो वो चेंज ही कर देते हैं हमने ये वाली रिबन भी ली है ताकि हम लगाएंगे रिबन तो अच्छी लगेंगे और ये हमने बर्थडे का वो बलून होता है ना वो भी हमने इसमें से लिया है ये नकली पेटल्स भी लिए हैं नकली पेटल्स हैं ये ग्लू है बलून्स के लिए ये जो नंबरिंग होते हैं ये भी हमने लिए हैं और ये केक के लिए तो ये सारी चीज़ें हमने लिया है और हम इनको जब डेकोरेशन अभी कुछ ही देर में हम डेकोरेशन शुरू करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे एक एक चीज़ आपको हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा मैं ज़ोर से नहीं बोला क्योंकि बाहर सब बैठे तो मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि मैं अंदर व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और आपको दिखाते भी जा रहा हूँ इससे मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ आप समझते होंगे ना कि फिर रून हो जाए और केक भी हमने ले लिया आपको सब हम दिखाएंगे एक एक तो चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन ये सब हम चीज़ें आपको तो दिखा दी हैं ये सब आप देख कर लिए हैं हम सब यूज़ करेंगे फिर आपको एक एक दिखा दी जाएंगे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए एंड में आप लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत से अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं सिर्फ आपके लिए आप क्योंकि आप बने रहेंगे हमारे साथ तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी कुछ अच्छा करें और भी कुछ खास करें जो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन आप सबके साथ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो डेकोरेशन है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बलून के साथ। हम जो बलून्स हमने लिए हैं हम पहले उनको तैयार करेंगे ताकि हमें बाद में टेंशन ना हो। तो पहले हम शुरू करेंगे बलून के साथ। चलिए बलून के साथ शुरू करते हैं। बलून्स के साथ हम लेंगे हमारे जो बलून्स ऊपर जाने वाले हैं वो गए तैयार। देखिए बस वक्त बहुत कम है और हमें सब जल्दी जल्दी करना है, तो ये हमने कर दिया है। ये हमारी पहली अचीवमेंट है और हम इनको ऊपर लगाकर आपको फिर दिखा देंगे कि अगर एक एक मिनट तक चला जाऊँगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो हम अब इन पर इनके ऊपर लगाएंगे ये रिबन्स, क्योंकि ये चलनी चाहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत चाहिए। तो हम ये रिबन वाला यूज़ करेंगे। इसको हम एक ही साइज़ पर काट कर इसको इसे चिपका देंगे। चिपका कर आपको दिखाते हैं। बलून का काम हो गया, ऊपर का बलून का काम आपको मैं दिखाता हूँ। देखते रहिए, आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर किसी जगह आपको लगता है कि मुझे और भी अच्छी तरह करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएगा। पर देखिए मैंने बलून का ऊपर का कैसा लगा, मैं एक एक ख़त्म करके आपको बताता जाऊँगा और आप देखते जाएँगे। मैं अब आपको एक एक चीज़ नहीं दिखाऊंगा, मैं जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तभी आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे और कहेंगे कि आपको मेरा काम कैसा लगा। और ये एक्साइटमेंट मुझ में भी एक्साइटमेंट है और मुझे पता नहीं कि वो देखकर कितना खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह वो खुश होंगी और उन्हें भी खुशी होगी कि किसी ने उनके भाई ने उनके लिए कुछ करा है इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर बताएगा कि एंड में जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊँगा, पूरा शॉट लूँगा, फिर आप ज़रूर मुझे बताएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा और कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ पर वो चेंजेस का करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू आप। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चले ख़त्म करके आपसे मिलते हैं।
ये है आज की हमारी जो डेकोरेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। और हम अब देंगे सरप्राइज, क्योंकि अभी बहुत देर भी हो गई है और बहुत टाइम लग गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे बताएं कि मेरी डेकोरेशन आपको कैसे लगी, पसंद आए कि नहीं। वो आने वाले हैं तो मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। तो मैं लाइट जो है ना वो पीछे ले जाता हूँ। चले बस यही थी आज की हमारी छोटी मोटी सी खुशी जो हमने आप सब से शेयर की। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। जाहिर सी बात है मेरी जो फैमिली है वो उन्हें वीडियो में आना ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने मुझे साफ मना किया कि हमें यूट्यूब में मत डालना, पर फिर भी वो खुश हुए ना, यही हमारे लिए बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये केक भी कटिंग सेरेमनी हो गई, सब हो गया, मेरी मेहनत भी वसूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जाऊँगा ये केक वाला जो यहाँ पर है ना, अब भी ये मैं जाऊँगा खाने। जब से ये केक खाया है मेरे मुँह में पानी आ जा रहा है, तो आपको दिखाऊँ अंदर कैसा है। यही केक के लिए तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए कितनी नटी नटी केक है, ऊपर स्ट्रॉबेरीज भी रखी हैं सभी, कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। वाकई में माशाल्लाह बहुत मज़ा आया मुझे ये सब करने में। डेकोरेशन आप देखें अभी तक वैसे ही पर है, क्योंकि मेरी जो अम्मी है और सब बाकी के घर वाले वो अभी सो रहे हैं, जाहिर सी बात 2 बजने वाले हैं, तो उनके लिए हमने ये से रखा है। कल वो जब उठेंगे तो हम वापस से सेलिब्रेशन करेंगे, वापस से हम ये खुशियाँ मनाएंगे। छोटी छोटी खुशियाँ में बस इसी छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। और आप भी ऐसी छोटी छोटी खुशी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढें, अपने घर वालों के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटें, और ख़ुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रहिए। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम दूसरे व्लॉग में। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा। अभी तक अगर आप नहीं किया तो लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।